ये देखें जी, एक्वेरियम मैंने साफ़ किया, सारा पानी इसका पीला हो चुका था और अब देखें कितना ब्लू ब्लू प्यारा खूबसूरत पानी लग रहा है, नया फ्रेश पानी डल रहा है अब साफ़ होने के बाद। ये देखें ये रट्टू तोता है मेरा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। ब्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। अब जो है वो एक्वेरियम की साफ सफाइयाँ तो हो गई हैं, अब हम चलते हैं अपने शामू को देखते हैं, उनको एग बॉयल करने के लिए रखते हैं, उनको एग बॉयल करके देते हैं। अंडे बॉयल करके जो है ना हमने पतीले में ग्रेट कर लिए हैं, और वो देखें बाहर चूजे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको खुशबू आ रही है, कूलर की हवाएँ खा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि एग उनको जा कर डाले जाएँ। तो ले कर चलते हैं एग उनके पास, और ये पतले वाले कद्दूकस से तो बहुत ही प्यारे ग्राइंड होते हैं। कूलर को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं ताकि आपको हमारी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नज़र हो, सुनाई दे, नज़र कह रहे हैं। देखें दिमाग मेरा घुमा दिया इन लोगों ने। चलो चलो, दाना बहुत गिरा रहे हो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो। ये हम जो है ना इनके बर्तन में डालते हैं, वो देखें बिताबी देखें आप इनकी, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नुकसान ना कर देना कोई। अच्छे से बर्तन में से साफ करके निकाल लेते हैं सारा। सबर है वो, देखें हरकतें देखें, एक दूसरे को नीचे दे रहे हैं ये अंडे के चक्करों में। खुशबू बड़ी आती है ना अंडे की, खुशबू आती है बॉयल एग की, उससे इनको पता लग जाता है कि बस इनका। और वैसे भी अब तो नज़र भी आ रहा है सामने, पहले ही ये खिड़की से उधर देख रहे थे कि पता नहीं क्या बनना है हमारे लिए। चलो ये देखें जी, दड़ा दड़ दड़ा दड़ खा रहे हैं ये। स्पार्क वाला पानी भी इनका बना के रखते हैं, फिर ऊपर जाके हम ऊपर के पिंडों के लिए भी जो है ना वो कोई सेटअप करके आते हैं, चीज़ें उनको डाल के आते हैं दाना पानी। ये देखें जितनी देर में इनका स्पार्क वाला पानी में बना के हैं, ये देखें आगे से इन्होंने बर्तन पूरा खाली भी कर दिया, तो इनको इस वाले में लगाते हैं। अब प्यास लग गई होगी, अब पानी भी पीने आएंगे। ये चेक करें, आधा बर्तन आपको खाली दिख रहा है, मैं दाना दिख रहा है और आधे में अंडा दिख रहा है, आधा इन्होंने ख़त्म भी कर दिया है। लिटरली मुझे ये बनाने में, पानी बनाने में कितने का टाइम लग गया होगा, 2-3 मिनट लग गए होंगे। खैर हम जो है इनको कूलर इनका चला देते हैं। कूलर जो है ना डायरेक्टली इनके ऊपर नहीं किया हुआ, स्विंग करके उस साइड पे भी जाता है और इस साइड पे भी आता है, तो ये सारा एरिया पूरा ठंडा हो जाता है, और हम जो है ना गुजर के जाते हैं ऊपर, ऊपर जाके अपने बाकी उनका क्या सीन चल रहा है। छत पे आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, इस टाइम थोड़ी सी जो है ना हल्की हल्की हवा चल रही होती है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे, जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ ये अपने पैर फड़फड़ाते हैं सारे, माशाल्लाह से रश काफी बढ़ गया हमारे सेटअप पे। इधर जी मोरों को भी देख लें, खाना आजकल ये देख रहे हैं कैसा फिनिश कर रहे हैं, जब से इनको मैंने वो वाइट वाले मोट डालने बंद किए हैं तब से इनको भी लगता है इंजॉय कर रहे हैं खाना, इन्होंने भी काफ़ी कुछ खाया पिया हुआ है। हाँ भाई तुम ठीक हो, असील मुर्गियाँ हमारी ठीक हैं, ब्लू और पिंटन भी ठीक है यार, कोई अच्छा मुर्गा नहीं मिल रहा यार हमें, क्या करें यार। इनको ना उठा कर किसी और केज में डालते हैं, इस वाले में डालते हैं, इसमें बहुत गंद डल गया,
लेकिन उसके लिए मैं कैमरा बंद करना पड़ेगा वरना ये बाहर भाग जाएंगे। ये देखें जी, मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको, सारी मुर्गियों को मैंने उल्टा लटका दिया। और इसके बाद एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये इधर बेसिकली दाना इन्होंने मुर्गियों ने गिराया होता है ना नीचे, और बारिश होने की वजह से जो है ना, ये देखिए कीड़ियाँ भी पैदा हो गई हैं सारी इधर, और ये इधर उगना भी स्टार्ट हो गया। ये जो जो उग रहा है ना ये घास, ये सारा ये बड़े शौक से खाएंगे। हम एक काम करते हैं, इनका ये बर्तन धो देते हैं और इनको पानी थोड़ी देर बाद रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। अभी ये इधर बहुत कीड़ियाँ कूड़ियाँ निकली हुई हैं, ये जो है ना इनके मैदे को डिस्टर्ब करेंगी। अभी के लिए जो है ना इनको ऐसे ही बंद रहने देते हैं। हाँ जी, आपको भी पानी चेंज कर देते हैं, दाना भी डालते हैं आपको। माँ सदके जाए, तुम दाना भी डालते हो तुम लोग, सब्र कर दो। तुम बोतल दो के फ्रेश ताज़ा पानी आ गया जी इनके लिए। दाना इनको जब बाकी सारों को डालेंगे अभी, तो उसके साथ फ्रेश दाना भी इनको चार बजे दे रहे। मेरे से डरते रहते तुम लोग, रोज़ खाना डालते हो, कुछ शर्म करो तुम लोग। ये भी साइड में लगे हुए हैं चूजे अभी तो फिलहाल, लेकिन इनके भी बर्तन वो धोते हैं और फिर रखते हैं इनके आगे। ये देखें, थोड़ी देर केज में रहने के बाद, सहमने के बाद, अब देखें आगे सारे कीड़े छीड़े खा रहे हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं। थोड़ी देर में ये कीड़े सारे खा के मुका देंगे ना, फिर उसके एंड पे जब हम नीचे जा रहे होंगे तब इनका पानी जो है ना अंदर रखेंगे। अभी के लिए पानी नहीं देना इनको। इधर हमारे सारे कबूतर इंतज़ार कर रहे हैं कि दाना लेके आऊँ मैं, और मोर भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेके आ तुम। शाबाश शाबाश, लगे रहो। लो भाई आ गया तुम लोगों का भी दाना, चलो पीछे हो जाओ, फिर तुम लोग डाट डूर के इधर भागोगे इधर उधर। उससे पहले खुद ही इज्जत से पीछे हो जाया करो। देखिए माशाल्लाह से हमारी ये चूज़ों से हमने पाले हैं, ये जितनी मेहनत इन पे हुई है ना, इतनी मेहनत ये वो नीचे वाले शामों पे होनी है ना, तो इससे डबल साइज से भी बड़े होंगे इंशाल्लाह। ये समझ लें आप, ऐसे इनकी हाइट होगी 2 फुट के करीब, 1.5 से 2 फुट के दरमियान होगी, और वो अभी से ही माशाल्लाह 1.5 फुट टच करने को हैं, और अभी वो सिर्फ 1.5 महीने के नहीं हुए। तो जब उन्होंने इस एज में पहुंचना ना, तब तक उन्होंने जिन लगना, जिन तब उनके लिए फिर ना ये वाला पिंजरा खाली भी करवा देंगे हम, इनको कहीं और मूव कर देंगे इधर कहीं, और इनके साथ मुर्गा अलहदा रखेंगे हम। अपने शामों के साथ मिक्स ब्रीड कोई नहीं करेंगे, उनको सही प्योर ब्रीड के साथ पलवाएंगे। हाँ जी, आप लोगों को बड़ा इंतज़ार हो रहा है आज दाने का, खैर हो सही है, भूख लगी हुई बहुत सारी। ये ले यार, ये इंजॉय करो, आ जाओ। ये देखें आ गए धड़ाधड़, सबसे पहले सनफ्लावर सीड खाएंगे मेरे मोर। सारे जानवरों को मैंने सनफ्लावर सीड पे लगाया हुआ, कोई भी ऐसा चैनल मैंने नहीं देखा ऑनलाइन जो इतना महंगी खुराक जो है ना डालता हो अपने जानवरों को। ये देखिए सारे लाइन में खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, चलो चलो चलो। ये देखिए सारे अब पीछे चले गए, सारे उधर चले गए बैठ गए। माशाल्लाह से कबूतर इतने ज़्यादा हो गए, इतना मज़ा आता ना मैं इनको देख के, अब दिल करता है इनको देखने का। बस एक दो काम में थोड़ी गर्मी काम हो जाए ना, फिर देखना तुम लोगों के लिए सेटअप में कोई इम्प्रूवमेंट भी लेके आते हैं। आज मैं दाना इनको ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने नीचे से भी खा खा के जो है ना सारा ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया दाना। पढ़ जो दाने को पढ़ जो सारे।
अभी भी नए कबूतर आप देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये सारे 8ों के 8ों उधर हैं, कोई भी दाना खाने नहीं आया। ये देखें, ये जाके खा रहा है, ये नया कबूतर है। वो वाले भी आगे आ गए हैं सारे, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी आदत हो रही है इनके साथ दाना खाने की। वो पीछे बच्चे बीच में मिदे जा रहे हैं सारे कबूतर, वो देखें डेनिश की तरफ फंस गया बीच में जाकर। और निकला निकला, शाबाश निकला है भाई। देखें एक कबूतर यहाँ पे भी बीच में फंसा हुआ है, ये कौन सा कबूतर है? अच्छा निकलाएगा, सेंटिनल है। सिर्फ एक हमारा वो ब्लैक लक्की का बच्चा उधर बैठा हुआ है और एक हमारा ब्राउन स्विंग में कंदर अंडों पे बैठा हुआ है, बाकी सब बाहर ऐसे धड़ाधड़ दाना खाने में बिजी है। अभी देखना थोड़ी देर में इनको पानी भी याद आ जाना, फिर इन्हें पानी की तरफ जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह ही जो है ना वो हमारे आज के काम इख्तिताम को पहुंचे हैं और बस एक ही काम करने वाला रह गया। थोड़ी देर में इनको बैठ के देखूंगा दाना खाते हुए। ये पानी का बर्तन इनका उठा के अंदर रखना है और हमारे काम हो जाने ख़त्म। आप भी अगर बैठ के देखना चाहते हैं इनको तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें हमारे मोर भी आए हुए हैं। ये वाली मोरनी का साइज़ देखें आप कितना बड़ा होता जा रहा है, इसके कंपैरिजन पे आ गया। वो वाली थोड़ी सी छोटी लगती है अभी भी, लेकिन ये वाली मोरनी हमारी सही माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई है। यार कोई अंडे दो, कोई इंक्यूबेटर हम नीचे दोबारा वापस चला लेते हैं, कोई बच्चे हम भी देखें मोरों के। ये तुम लोगों के लिए ही रख देंगे उधर, कुड़क हो जाना बैठना अंडों पे, खुद ही अंडे बच्चे निकालना। लेकिन मैंने सुना ज़रूर है कि ये जो मोरनी होती है ना ये बहुत बुरी होती हैं, ये कुड़क पे सही नहीं बैठती। बड़े साइज़ के जानवरों में जो हमारे पास होते हैं ना टर्की बर्ड्स, वो अच्छा कुड़क उतन का 3-3 महीने कुड़क पे बैठे रहते हैं वो। गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।